हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में समकालीन आधुनिक भारतीय कलाकार सोमनाथ होर के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। और ये एक प्रसिद्ध प्रिंट मेकर भी थे, और इनसे रिलेटेड सभी ड्राइंग एंड पेंटिंग्स एग्ज़ामों में क्वेश्चन पुट अप होते हैं, इसीलिए आप लोग इनको ध्यान से लर्न करिएगा। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सोमनाथ होर के पहले जीवन परिचय के बारे में। सोमनाथ होर का जन्म 1921 ईस्वी में बांग्लादेश के चटगांव में हुआ था। दोस्तों, जब वे 13 वर्ष के ही थे तब उनके पिताजी का निधन हो गया, और सोमनाथ होर जी की मां कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य बन गई, और उनकी 9 वर्ष की बहन पार्टी के लिए संदेश का काम करती थी। दोस्तों, सोमनाथ होर जी, जिन्होंने पिछले 6 दशकों से लगातार एक ही कला को विकसित व उजागर किया है, जो सोमनाथ होर जी के जो चित्रों के विषय होते थे वो जख्म, जो उनकी भावनाओं में, जो उनके दिल में जो घाव थी, उसी से रिलेटेड उन्होंने अपने चित्रों का जो शीर्षक देते थे वो बहुत ही सरल शीर्षक होते थे, और उनके चित्रों में वो पीड़ा, वो जख्म उभर कर सामने प्रदर्शित होता था। इसका सबसे बड़ा कारण, सोमनाथ होर ने अपने जो समय के और समाज के जख्मों ने जो शुरू से ही सोमनाथ होर जी की मानसिकता को आंदोलित किया था, क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जापानियों ने चटगांव पर बमबाजी की थी, तो उस युद्ध के घाव से तथा राजनीतिक जीवन की फरार जिंदगी, और साथ ही साथ 1942 और 43 में जब बंगाल में अकाल पड़ा, तो सोमनाथ होर जी की कल्पना शक्ति को और भी विचलित कर दिया, जिससे उन्होंने अपने चित्रों का जो विषय रखते थे वो जख्म नजर आता है, क्योंकि सोमनाथ होर स्वयं ही कहते हैं कि मैं तस्वीरें नहीं बनाता हूं, मैं जख्म बनाता हूं। ये सोमनाथ होर जी का एक छोटा सा कोटेशन था, और लगभग 6 दशक से लगातार जैसे एक ही कला को बना रहे हैं, और इस कला को उन्होंने नाम दिया था जख्म। दोस्तों, आइए देखते हैं सोमनाथ होर जी की जो प्रारंभिक शिक्षा थी, क्योंकि सोमनाथ होर जी अपने समय के काफी बाद में शिक्षा प्राप्त किए थे, और वे आधुनिक भारत के स्वप्रशिक्षित प्रतिभा संपन्न कलाकार भी माने जाते हैं। फ्रेंड, सोमनाथ होर की कलाकृतियों में 1943 ईस्वी के बंगाल के भयंकर अकाल, 1971 ईस्वी में बांग्लादेश और भारत युद्ध, और 1975 ईस्वी के वियतनाम युद्ध में मानव के विरुद्ध
हुए अपराधों व उससे उत्पन्न परिस्थितियों एवं वेदनाओं का स्पष्ट चित्रण सोमनाथ होर के चित्रों में देखने को मिलता है। जो सोमनाथ होर के जो प्रारंभिक विषय थे वो अकाल, किसान आंदोलन, धरती के अभागों की शहीदों और रोजमर्रा की जिंदगी सोमनाथ होर के कला के प्रारंभिक विषय माने जाते हैं। जो सोमनाथ होर ने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा 1945 ईस्वी में कोलकाता के आर्ट्स स्कूल में प्राप्त किया वो ग्राफिक की शिक्षा थी और इन्होंने कोलकाता के आर्ट स्कूल में दाखिला लिया और हरेन दास और सैफुद्दीन अहमद से उन्होंने कला का प्रारंभिक प्रशिक्षण ग्राफिक कला में प्राप्त किया और साथ ही साथ वे भारत के प्रसिद्ध कलाकार जैनुल अबिदीन के संपर्क में भी आए और उस समय जैनुल अबिदीन जो स्वयं अकाल की भयावह सच्चाई को अपने चित्रों में प्रभावशाली अभिव्यक्ति दे चुके थे। दोस्तों 1954 ईस्वी में हरेन दास ने भारत के एक ही प्रसिद्ध कलाकार जो रेवा देश थी उनसे 1954 में विवाह कर लिया और वे दोनों ही चित्रकार थे। वह अपने अपने कला क्षेत्र में निपुण थे। उन्होंने अपनी अपनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी 1956, 1957 और 1958 में एक साथ लगाई और साथ ही साथ सोमनाथ होर अपनी कृतियों में आकार पर विशेष ध्यान देते थे। इस पॉइंट को आप लोग नोट करिएगा कि सोमनाथ होर की जो कृतियां थी उनमें आकारों पर विशेष ध्यान देते थे और सोमनाथ होर ने 1957 में कलकत्ता के कॉलेज ऑफ आर्ट्स में ललित कला में डिप्लोमा प्राप्त किया तथा चित्रों में कला जगत में अपना एक अलग स्थान बनाया। दोस्तों ये रहे सोमनाथ होर जी के प्रारंभिक जीवन के बारे में। दोस्तों सोमनाथ होर शुरू से ही पोस्टर कला में भी स्वाभाविक दिलचस्पी दिखाई। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध की परिणति से आहत होकर सोमनाथ होर जी ने सन 1943 के अकाल से जूझने के लिए अपने स्तर पर पीड़ितों की सहायता हेतु तथा पीड़ितों की मदद करने के लिए पोस्टर की रचना आरंभ की और पोस्टर के माध्यम से वह कला से जुड़े रहे और इसमें सोमनाथ होर जी का बहुत बड़ा योगदान था। और चित्र प्रसाद और सोमनाथ होर ने ग्राफिक कला में लोगों तक अपना संदेश आसानी से पहुंचाने की अद्भुत संभावनाएं भी देखी थी। पर सोमनाथ होर पोस्टर और संदेश के सपाट सीधे व्याकरण से कहीं अधिक गहराई में चले गए और भारत में प्रिंट मेकिंग को अपने एक अद्वितीय विस्तार दिया था। दोस्तों प्रिंट मेकिंग में कोई भी कलाकार उनकी तुलना नहीं कर सकता है।
क्योंकि जो भारत के प्रसिद्ध पेंट मेकर भी माने जाते हैं, जैसे हरेंदास, कृष्ण रेड्डी, कंवल कृष्ण, देवयानी कृष्ण, ज्योति भट्ट, जगमोहन चोपड़ा, लक्ष्मण गौड़, जरीना, जय कृष्ण, देवराज, अनुपम सूद आदि महान प्रिंट मेकर भारत में हुए, परंतु इनकी तुलना सोमनाथ होर से नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि सोमनाथ होर का जो व्यक्तित्व किसी संत की तरह लगता है, सोमनाथ होर अपने आसपास के यथार्थ को गहरी संवेदना के साथ जाना और जांचा, और वो अपनी कलाकृतियों में इस भावना को अभिव्यक्त किया। भारत के दिग्गज से दिग्गज प्रिंट मेकर जो लंदन, पेरिस जाकर एटेलियर 17 में कार्य किया और वहां से प्रशिक्षण लिया, परंतु सोमनाथ होर ने भारत में ही रहते हुए एक संत की परंपरा का निर्वहन किया और इस प्रिंट मेकिंग को भारत के इतिहास में मुख्य रूप से एक प्रिंट मेकर के रूप में ही जाना। दोस्तों, आइए देखते हैं सोमनाथ होर जी की छापा कला की तकनीक को। दोस्तों, जो सोमनाथ होर जी थे, उनकी जो छापा चित्रों के प्रति उनका जो सहज आकर्षण था, वो उडकट, अर्थात कहने का तात्पर्य कि उन्होंने जो प्रारंभिक प्रशिक्षण जो मुख्यतः उडकट अर्थात काष्ट छापा चित्रों के प्रति उनका सहज आकर्षण था, परंतु उन्होंने ग्राफिक और अम्लांकन में भी कार्य बहुत ही खूबसूरती के साथ किया था, और उन्होंने लिथोग्राफी और इंटेग्लियो प्रिंटिंग की ओर आकर्षित हुए और दिल्ली के वातावरण में भी वे काफ़ी अपनी भागीदारी को निभाया और दिल्ली में छापा कला को प्रतिष्ठित करने का श्रेय भी श्री सोमनाथ होर, कंवल कृष्ण तथा जगमोहन चोपड़ा को जाता है, जिन्होंने नित नए नए प्रयोगों के द्वारा ग्राफिक को उच्च स्थान तक पहुंचाया था। दोस्तों, जो सोमनाथ होर जी थे, इनकी सभी मानव एवं पशु आकृतियां जो थी वो कंकाल स्वरूप में दिखती थी, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। और सोमनाथ ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते ही चीनी काष्ठ चित्रकारी, लीनोकट तथा बहुरंगी काष्ठ उत्कीर्णन व इंटेग्लियो चित्र तकनीक में भी विशिष्टता प्राप्त की थी। दोस्तों, सोमनाथ होर का एक प्रसिद्ध जो छापा चित्र देखने को मिलता है वो द जैसी नामक संयोजन जो चित्र में बहुत ही सुंदर छापा चित्रण देखने को मिलता है। दोस्तों, ये द जैसी जो सोमनाथ होर जी का बहुत ही मार्मिक ढंग से चित्रांकन सोमनाथ होर जी ने छापा चित्रण में किया था, और वो भी उड टेक्निक में। दोस्तों, सोमनाथ होर जी, आप लोगों को बता दें, जब सोमनाथ होर जी जो मुख्य रूप से उड का टेक्निक में कार्य करते थे, परंतु जब उन्होंने दिल्ली में प्रवेश किया तो उन्होंने धीरे धीरे ग्राफिक
तथा अम्लांकन दोनों माध्यमों में इस टेक्निक को अपना लिया था और इसी का प्रभाव उन्होंने अपने एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्र बच्चे द चिल्ड्रेन को बहुत ही मार्मिक ढंग से अंकित किया है, जिसको सोमनाथ होर ने एचिंग विद एक्वा टिंट टेक्निक ऑन कॉपर प्लेट पर इन्होंने निर्मित किया है। और इसको उन्होंने 1958 ईस्वी में निर्मित किया था और वर्तमान में ये चित्र नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में स्थित है। और दोस्तों, इस चित्र में सोमनाथ होर ने जो अंकन किया है वो बहुत ही मार्मिक है। इस चित्र में सफ़ेद और काले रंगों की जो निच्छारित रेखाओं के सहारे इस विशिष्ट चित्र को तांबे की कठोर सतह पर सोमनाथ होर ने 1958 ईस्वी में उकारा था। उनकी इस रचना में जो भूखमरी, कुपोषण व शोषण के शिकार एक गरीब परिवार के संघर्ष व वेदना को प्रदर्शित किया गया है। सोमनाथ होर ने इस निच्छारित चित्र में तीन दुर्बल बच्चों, जो आप देख रहे हैं कि तीन दुर्बल बच्चों व उनकी माँ को दिखाया है और बच्चों के जो विकृत चेहरे, कमजोर शरीर से झांकती हुई पसलियाँ व कुपोषित फूले हुए पेट, झुकी हुई आँखें उनकी हीन और दीन दशा को व्यक्त कर रहे हैं। और दोस्तों, उनकी माँ जो स्वयं ही दीनहीन और कुपोषित नजर आ रही हैं, अपने बच्चों के कंधे पर हाथ रख कर उन्हें ढांढस बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। और इस चित्र में जो एक लड़की उनकी ओर जो दया भाव से देख रही है, इस चित्र में समतल सतह को सफेद व निच्छारित भाग को काली रेखाओं से अंकित किया सोमनाथ होर ने। दोस्तों, ये बहुत ही मार्मिक चित्र है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। आइए हम सोमनाथ होर के कुछ टेक्निक के बारे में करते हैं। दोस्तों, सोमनाथ होर को अंडरग्राउंड कलाकार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सोमनाथ होर ने कम्युनिस्ट पार्टी के लिए अंडरग्राउंड काम किया था, क्योंकि सोमनाथ होर ने पार्टी के लिए पोस्टर बनाए, नारे लगाए और जिंदगी के जख्मों को हमेशा एक संवेदनशील सच्चाई के साथ देखा, इसलिए सोमनाथ होर को अंडरग्राउंड कलाकार भी कहा जाता है। और दोस्तों, सोमनाथ होर का एक विख्यात प्रिंट श्रृंखला जो माना जाता है वो सफेद पर सफेद बहुत ही फेमस है और इस प्रिंट को उन्होंने सीमेंट और प्लास्टर की मदद से उन्होंने जो स्लैब तैयार किया था उस प्रिंट के माध्यम से इन्होंने व्यक्त किया है और इनका बहुत ही फेमस प्रिंट माना जाता है। इसको आप लोग नोट करिएगा, पूछ लेगा सफ़ेद पर सफ़ेद ये प्रिंट श्रृंखला किस कलाकार का है। तो दोस्तों, ये जो श्रृंखला है सफ़ेद पर सफ़ेद, ये सोमनाथ होर का बहुत ही मार्मिक ढंग से अंकन किया गया है। दोस्तों, आगे की चर्चा हम जो सोमनाथ होर जी के कुछ टेक्निक हैं उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।
दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में सोमनाथ होर के कुछ इम्पॉर्टेंट कलाकृतियों और उनके अवार्ड से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो आप लोग को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए दोस्तों।